जी, आपका बूंद बूंद भूजल चैनल में स्वागत है। आप अपना स्वयं परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद शर्मा हूँ और सीनियर एनेस्थेटिस्ट के तौर पर जी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने यूपी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में जॉइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूँ और वहाँ उसके पश्चात उदयपुर में आके मैंने आपके सहयोग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2002 में एस्टेब्लिश कराई थी जब मैं मकान बनवा रहा था। 2002 में उस समय आपके मन में ये थॉट क्यों आया? ये विचार मेरे मन में ये था कि थोड़ा जो वाटर हार्वेस्टिंग बरसात का जाता है, पानी बहता है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और उससे भूजल में वो रिचार्जिंग होगी तो अच्छा रहेगा, ये सोचकर। और दूसरा पॉइंट, आपने जो मुझे सजेशन दिया उस वक्त, क्योंकि आप इस कार्य को कर रहे थे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा विचार, तो मैंने इसको कार्य रूप दे दिया। तो उससे आपको कुछ लाभ नज़र आया उस हाँ, समय? हाँ, मुझे एक लाभ ये आया कि मेरा बॉडी, ये मेरा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, उसने मेरी ज़मीन भूजल को बहुत रिचार्ज किया। जब शुरू शुरू में लगा था तो मेरा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग 15 मिनट बाद सूख जाता था, पानी नहीं देता था। आपका ट्यूबवेल पानी नहीं देता था? हाँ हाँ, रुक जाता था, फिर उसको आधा घंटे वेट करना पड़ता था, उसके बाद फिर चलाते तो फिर 15 मिनट के लिए पानी देता था। अब वो इस समस्या समाप्त हो गई। जब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा तो मेरी भूजल में काफ़ी अच्छा वाटर लेवल है और उसकी वजह से मैं अपनी दूसरी मंजिल भी इसके सहारे बना पाया, मुझे बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ी पानी की। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पानी का ट्यूबवेल का लेवल इतना हो गया कि आपको दूसरी मंजिल बनाने के लिए भी पानी नहीं खरीदना पड़ा? हाँ, ये मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे अच्छा लगता है जब पानी ज़मीन में जाता है, उसकी कलकल करती आवाज़ आती है तो बड़ा मन को संतोष लगता है कि ये काम बहुत अच्छा हुआ। आपको ऐसा लगता है कि एक नेचुरल झरना जो है आपके ट्यूबवेल में जा रहा है? जी जी, बहुत बड़ा आनंददायक अनुभव होता है ध्वनि का, उस आवाज़ को सुनकर मज़ा संतोष होता है कि ये काम अच्छा किया हमने। ठीक बात है। तो आप इसके अपने इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो मकान बनवा रहा है तो वो छत पर अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरिंग में ज़रूर डलवाए। उससे क्या है कि उसका पानी की आपूर्ति होती रहेगी, भविष्य में काम आएगा और जो पानी बह रहा है वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, उसको ज़मीन के अंदर स्टोर करना चाहिए और वो उससे पानी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, हार्ड वाटर से थोड़ा सॉफ्ट वाटर भी हो जाता है और उससे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक बात है। वो कहते हैं ना, पानी है तो धन है। ठीक बात है। तो हमको पानी इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि अपन पानी नहीं बना सकते। हाँ जी, आप कहना चाहिए। हाँ, पानी तो ऊपर से बरसता, हम लोग बना नहीं सकते और वो एक प्राकृतिक संपदा है, उसको संजोना चाहिए। पर अपनी जनरेशन ने अगर इस प्राकृतिक संपदा को समाप्त कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, अगर संपदा समाप्त हो जाएगी तो फिर तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमको, हाँ, इसको तो हमेशा नई जनरेशन और सबको हैंड ओवर करके जाना चाहिए हमें, और जहाँ मौका मिले वहाँ रिचार्ज कराना चाहिए पानी, है ना। तो आपने ये अपना समय दिया इस बूंद बूंद भूजल चैनल में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।